मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च की बहुत ही मजेदार सी सब्जी। और इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 10 मोटी वाली मिर्चें ली है, जो कि कम तीखी होती है या फिर बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। सबसे पहले इसे हम कट करेंगे, तो इसकी डंठल हटा लेंगे और इसके हम 2 पीसेस कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली ये मिर्ची थोड़ी छोटी है तो इसे बिना कट किए भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी डंठल भी हटा दी है और इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और बीच में हम हल्का सा ऐसे कट लगा लेंगे ताकि जब ये हम मसाले में डालें, ग्रेवी बनाएं, तो इसमें भी अंदर से अंदर मसाला जो इसका ग्रेवी है अंदर चली जाए। तो इसी तरीके से मैं ये भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे और सभी को ऐसे ही कट करके मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी हरी मिर्चें कट करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी, या फिर आप बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको जैसे भी कट करना है वैसे कट कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है और 5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर इसमें तेल डाला है। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा। यहाँ पर मैंने ये जीरा डाल दिया और जीरा जैसे ही भुन जाता है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ में हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे 1 मीडियम साइज की। यहाँ पर मैं ये हरी मिर्च प्याज डाल देती हूँ और प्याज के सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें अब डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले डालते समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर। साथ में इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच। जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। मिला देंगे सभी चीज़ों को। यहाँ पर मैंने सूखे मसालों को प्याज के साथ मिला दिया है। और साथ में यहाँ पर डाल लेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी चीज़ों को भून लेंगे। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर इसमें मैं 1/2 कप के करीब दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे लगातार चला लेंगे। और यहाँ पर मैंने दही डाल के मिला दिया है। तो इस मसाले को हमें भून लेना है 2 मिनट के करीब गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए। यहाँ पर हमारा ये मसाला भून गया है, तो देखिए मसाले के ऊपर तेल आ गया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मिर्च हमने पहले से ही कट करके रखी है, ये मिर्चें डाल दी मैंने और मिला लेंगे। इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब नमक। उसके बाद मिला देंगे। मिलाने के बाद केवल हमें इसे 3 से 4 मिनट ही पकाना है गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। तो मैं इसे ढक देती हूँ। पाँच मिनट हो गए हैं और ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। तो बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आ गया अब सब्जी में हमारे, ये देखिए। तो इसे कर लेते हैं एक बोल में सर्व। और लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिर्च की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनके तैयार है। तो इस तरीके से आप ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें। रोटी, पराठे, नान, चावल किसी के साथ भी खाएंगे, सभी के साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।